स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन अपना इंडिया में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सअप को लेके कि व्हाट्सअप ने यू टर्न ले लिया है लोगों की नाराज़गी को देखते हुए, ठीक है, अपना स्थगित कर दिया है जो भी प्राइवेसी का उसका जो भी प्लान था। तो ये गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है जो भी व्हाट्सअप यूज़ कर रहे थे, व्हाट्सअप यूज़र थे उनके लिए। आखिर व्हाट्सअप ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके बारे में सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपनी नई प्राइवेसी को लेकर दुनिया भर में फर्जिया झेल रहे व्हाट्सअप ने अब यू टर्न ले लिया है। समाचार एजेंसियों की खबर के मुताबिक व्हाट्सअप ने लोगों से नाराज़गी को देखते हुए बिजनेस फीचर को फिलहाल के लिए अभी टाल दिया, ठीक है। फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपना प्राइवेसी अपडेट प्लान को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। व्हाट्सएप का कहना है कि इसे यूजर्स को पॉलिसी के बारे में जानने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए ज़्यादा वक्त, मतलब ज़्यादा समय दिया जाएगा। व्हाट्सएप ने बताया कि लोगों के बीच फैली गलत जानकारी को बढ़ती चिंताओं के कारण प्राइवेसी पॉलिसी टालने का फैसला लिया है। आम लोगों के मतलब की बात करें तो प्राइवेसी पॉलिसी को न अपनाने पर 8 फरवरी को आपका व्हाट्सअप खाता बंद नहीं होगा। जैसा कि आप लोग पहले जानते थे कि व्हाट्सअप ने प्राइवेसी का लोग के जो भी प्लान निकाला था कि 8 फरवरी के बाद जो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्राइवेसी के और टर्म्स को लेके, जो भी व्हाट्सअप आपको बता रहा था कि आपको एक्सेप्ट लेना है ये पॉलिसी हमारी, 8 फरवरी तक अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सअप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो ऐसा अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि व्हाट्सअप यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि 8 फरवरी खाता बंद नहीं होगा, ठीक है। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट कहा है कि 8 फरवरी से किसी का भी अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं होगा। हम फिलहाल इसे लागू करने की तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी वो डेट निकाल रहे हैं, मतलब जो भी व्हाट्सअप का प्राइवेसी है उसको लेके वो लोग डेट आगे बढ़ाए जाएंगे कि जो भी कस्टमर है अच्छे से समझ बूझ सकें कि आखिर में प्राइवेसी है क्या। प्राइवेसी को लेकर बहुत से लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें फैल रही हैं, या फिर हो सकता है व्हाट्सअप भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा, इसलिए इसका डेट आगे बढ़ा जाएगा। देखिए व्हाट्सअप क्या है कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि लोग ये प्लेटफॉर्म छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं, जैसे व्हाट्सअप हुआ, हाइक हुआ, सिंगल हुआ, क्योंकि व्हाट्सअप को लेके अभी भी कितने बहुत लाखों का यूजर्स जो है दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव कर चुके हैं। तो व्हाट्सअप अगर जो भी हैं व्हाट्सअप यूजर्स अगर व्हाट्सअप को छोड़ते हैं तो व्हाट्सअप को बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला, ठीक है। अगर वो लॉस होगा लोगों को तो व्हाट्सअप खुद को अगर अपडेट करना चाहता है तो अपडेट ना करे तो ही तो उसके लिए भला है ना। आखिर में वो खुद को अपडेट करके क्या करेगा कि पूरा पब्लिक है उससे हट जाएगी, जो भी ट्रैफिक उस पर आ रही, जो भी जितना भी यूजर्स हैं, अगर यूजर्स कम होंगे तो उसका इनकम भी तो खटेगा ना। इसलिए व्हाट्सअप ने फिलहाल के लिए इसको आगे पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। आगे में हम आपको बता रहे हैं व्हाट्सअप पहले भी दे चुका है सफाई, देखिए व्हाट्सअप तो दे ही रहा है, लेकिन इसके लिए क्या है पूरा अभी सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल में ये लेटेस्ट न्यूज आए तो हमें लगा कि आप लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है प्राइवेसी से जुड़ा नोटिफिकेशन आने के बाद से फजीहत झेल रहा व्हाट्सअप, अखबार और सोशल मीडिया आदि के जरिए पहले ही सफाई दे चुका है। व्हाट्सअप ने कई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा है कि इससे दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ होने वाली निजी चैटिंग प्रभावित नहीं होगी। मतलब जो भी आप निजी चैटिंग कर रहे हैं फैमिली के मेम्बर के साथ, जो भी आपका है ग्रुप व्रुप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप ने पॉलिसी में कहा है, नई पॉलिसी में कहा है सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए। व्हाट्सएप ने पहले की तरह ट्वीट करके कहा है कि यूजर्स चैट पहले की तरह इन टू इंड इंक्रिप्शन के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरा मामला क्या, ठीक है, जो मेन हाइलाइटेड हुआ है मैं आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने यूजर्स की सेवा की शर्तों के लिए गोपनीयता की नीति के बारे में अपडेट देना शुरू किया था। व्हाट्सएप ने इसमें बताया कि वह कैसे उपयोगताओं के डेटा का प्रसंस्करण करती हैं और डेटा के फेसबुक के साथ किस तरह साझा करती है। अपडेट में यह भी कहा गया था कि व्हाट्सअप की सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को 8 फरवरी 2021 तक नई शर्तों और नीति से सहमत होना होगा। मतलब आपको 8 फरवरी तक जो भी उसका व्हाट्सअप का प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेकर आपको सहमत होना है, ठीक है। टेलीग्राम और सिग्नल को हुआ फायदा, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्रतिद्वंदी ऐप डाउनलोड में वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। तो जो भी ये दोनों ऐप है, टेलीग्राम हुआ चाहे सिग्नल हुआ, दोनों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखी गई। टेलीग्राम ने जनवरी में 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। वही सिंगल के पास इतनी ज़्यादा यूजर्स में लोग पहुँचे कि उसका सिस्टम ही पूरा क्रैश हो गया, सिस्टम पूरा बैठ गया, ठीक ना। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने लोगों को व्हाट्सअप को बंद करने की भी अपील की थी। जो भी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क हैं उन्होंने लोगों से अपील भी की थी कि व्हाट्सअप को आप बंद कर दीजिए, जो भी इसका प्राइवेसी पॉलिसी वो अच्छा नहीं था, क्योंकि वो भी जो भी आपका डाटा था वो भी फेसबुक के साथ शेयर करने वाला था, इसीलिए उन्होंने ऐसा लोगों से अपील की। व्हाट्सअप ने प्रमुख बिल कैथार्ट
ने एक बार एक ट्वीट करते हुए कहा कि इस बारे में अपनी राय साझा कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने अपनी राय जो साझा की एलन मस्क ने कि व्हाट्सअप आप लोग बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये है गुड न्यूज़ कि व्हाट्सअप ने आपका जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको टाल रहा है, अब आपके अकाउंट डिलीट नहीं होगा 8 फरवरी तक, आप अच्छे से उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप टाइम देगा। इसके पीछे क्या रीज़न है वो सब हमने आपको वीडियो में बताया, क्योंकि व्हाट्सअप की बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है अगर लोग व्हाट्सअप को छोड़ के टेलीग्राम और सिंगल और जैसे थर्ड पार्टी जैसे सिमिलर ऐप पे जाते हैं, तो ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।